तो क्या था, जब उसको जब लेखिका जब उसको भाई बोले तो वो बोला कि तुमने वो जो चीनी व्यापारी था, जो छोटा सा बच्चा था वो व्यापारी था, बोला क्या कि तुमने मुझे भाई बोला, तुमने मुझे भाई बोला, नहीं तुम्हें कुछ लेना पड़ेगा पहले, है ना, वो करके अच्छा तो तुम जरूर लेगा लेगा, है ना। अच्छा होम करते हाथ जला वाली कहावत हो गई, विवश होकर कहना पड़ा, है ना। तो लिखे कहते देखो तुम्हारे पास क्या है, यहाँ पर है कि जैसे होम करते हुए हाथ जला कहावत का मतलब कोई भी श्रेष्ठ एवं कल्याणकारी कार्य करने में दिक्कतें आती है, इसका कहावत का ही तात्पर्य। कोई भी अच्छे काम करने पर क्या होता है, हम लोग कल्याणकारी कार्य करने पर हमें क्या होता है, दिक्कतें आती है, ठीक है। अच्छा चीनी जो क्या था वो अपना गट्ठर खोल कर बैठ गया, ठीक है। और जैसे अच्छा मैंने बहुत अच्छा सी, बहुत मतलब क्या उसका जैसे भाषा में जो चीनी क्या ठीक से हिंदी नहीं बोल पाते, इसलिए क्या बोलता, बहुत क्या बोला वो, बहुत अच्छा सिल्क आता है सिस्टर, है ना, बहन को सिस्टर को सिस्टर, चाइना सिल्क क्रेप, बहुत गहने सुनाने के उपरांत दो मिनट में उसे खरीदा आवश्यक हो गया, सोचा चलो छुट्टी इतनी कम, देखेगा इतना जब बोला तो लेखिका भी सोची कि चलो हम कुछ खरीद लेते हैं, उन्होंने कुछ सामान उससे खरीद लिए, और खरीदने के बाद वो बोली कि चलो इतना कम खरीदें फिर ये दोबारा नहीं आएगा, लिखी क्या कर। अच्छा पर कोई 15 दिन के बाद वह बरामदे में अपनी गठरी पर बैठकर गज को फर्श पर बजा बजा कर गुनगुनाता मिला, लिखी क्या फिर बोली कि चलो तो फिर नहीं आएगा, है ना, पिंड छूटा, लेकिन फिर वो 15 दिन बाद वो क्या हो जाएगा, वो चीनी व्यापारी फिर वहाँ पर आया, छोटा सा बच्चा था वो व्यापारी, आया और अपने गठरी नीचे मैंने जमीन पर रख कर और जो गज था उसे क्या होता गुनगुनाना गुनगुनाने लगा। मैंने उसे कुछ बोलने का अवसर ना देकर व्यस्त भाव से कहा, लेकिन व्यस्त मतलब क्या होता है, किसी काम में लगे रहना, व्यस्त मतलब क्या हो गया, व्यस्त मतलब हो जाएगा किसी काम में लगे रहना, किसी काम में लगे रहना, किसी काम में लगे रहना, ठीक है, किसी काम में लगे रहना, ठीक है, व्यस्त है ना, बिजी रहना, ठीक है। व्यस्त भाव से कहा अब तो मैं कुछ ना लूंगी, समझे, जब वो छोटा सा बच्चा जो आया था लेखिका के यहाँ पर कि आज मैं कुछ लाया हूँ, फर्श पे बैठ गया और वो जो गज को क्या हो गया हिलाने लगा और गुनगुनाने लगा, तो लेखिका बोली कि अब मैं कुछ नहीं लूँगी, समझे। चीनी खड़ा होकर जेब पर कुछ निकालता हुआ प्रफुल्ल भाव से बोला, ठीक है, प्रफुल्ल मतलब क्या हो गया, आनंदित खुशी भाव से वो बोला, सिस्टर आपका वास्ते लाता है, आपके वास्ते लाए हैं कुछ, ठीक है, बहुत व्यस्त सब सेल हो गया, बहुत अच्छा, वो अपने भाषा में क्या हिंदी ठीक से बोल नहीं पा रहा वो, ठीक है, बहुत बेस्ट है ना, सब सेल हो गया, हम इसको पॉकेट में छिपा कर लाता है, मैंने हम इसको पॉकेट में छिपा कर ला है, वो लेखिका से कर रहा कि सब था तो बहुत अच्छा ये है, हम इसको क्या हो गया पॉकेट में छिपा कर लाए हैं आपके लिए। अच्छा कुछ रुमाल थे उंदी रंग के डोरे भरे हुए, किनारों का हर घुमाव और कोनों के उसी रंग से नन्हे फूलों की पंखुड़ी चीनी नारी की कोमलता कलात्मक का व्यक्त कर रही थी, जीवन के अभाव की करुणा कहानी भी कर रही थी। उन्होंने क्या किया था, एक रुमाल लाया था, क्या लाया था उन्होंने, एक रुमाल लेके आया था, जो रुमाल लेके आया था उसमें क्या था, लेखिका का इस मैंने इस वाक्य का तात्पर्य है कि लेखिका को है ना, लेखिका को चीनी रुमाल की मैंने की गई कसीदाकारी है ना से बने विभिन्न रंगों के फूलों धागों से बनी उनकी पंखुड़ियों को कोमलता वहां के नारियों की कलात्मक को व्यक्त कर रही थी, है ना, वो जीवन में समृद्ध और अभाव की कहानी कह रही थी, उसके देश के अभाव की कहानी कह रही थी। वो जो रुमाल लाया था उसमें वहां की जो नारियों का जो क्या कलात्मक थी है ना, कलात्मक का जो फूलों से जो बनी थी धागों से बनी उनकी पंखुड़ियों की कोमलता वहां के क्या जगह नारियों की कलात्मक कह रही थी, वहां का जो औरतें होती हैं क्या होता है बहुत अच्छा कलात्मक अच्छी अच्छी मतलब क्या होता है नक्काशी वाले क्या बनाती है रुमाल बनाती है, ठीक है, जो वहाँ के जो जीवन में जीवन के समृद्धि एवं अभाव के बारे में क्या होता है वहाँ की कहानी कह रही थी उस रुमाल के द्वारा, ठीक है। अच्छा पर फिर हुआ सिस्टर आपके वास्ते हन लाया है। अच्छा अब देखिए मेरे मुख में निषेधात्मक भाव से लक्ष्य को अपनी नीली रेखांकित आंखों में जल्दी जल्दी बंद करके खोलते हुए एक सांस में सिस्टर का वास्ते लाता है सिस्टर के वास्ते लाता है दोहराने लगा, बोला नहीं मैंने आपके लिए मैं लाया हूँ सिस्टर के वास्ते लाता हूँ, मैं क्या हो जाएगा मैं आपके लिए रुमाल बहुत छिपा कर लाया हूँ सब बेच दिया लेकिन मैं आपके लिए एक रुमाल लेकर आया हूँ, ठीक है। अच्छा मन में सोचा कि अच्छा भाई मिला है, लिखे कहती चलो भाई हमें भी क्या हो गया भाई छोटा भाई मिल गया है,
बचपन से मुझे लोग चीनी कहकर चिढ़ाया करते, लेखिका भी कहते कि बचपन में मुझे लोग क्या करते थे, चीनी कहकर चिढ़ाया करते थे। संदेह होने लगा अब उसे चिढ़ाने का कोई तत्व भी रहा होगा, अन्यथा आज एक सचमुच ही चीनी सारे इलाहाबाद को छोड़कर मुझसे बहन का संबंध क्यों जोड़ने आता। पर उस दिन से चीनी को मेरे यहाँ जब आने का विशेष अधिकार प्राप्त हो गया। अब चीनी का क्या विशेष, वो जो कुछ भी होता है वो लेखिका के पास आ जाता अपना कोई भी सामान बेचने के लिए, या लेखिका उसे हंसी खुशी ले लेती। चीन का साधारण श्रेणी के व्यक्ति भी कला के संबंध में विशेष अभिरुचि रखता है, इसका पता तो उस चीनी से परिचित रुचि में ही मिला। देखिए कहते हैं वाकई में चीन के लोग भी क्या करते हैं, कला के क्षेत्र में क्या होता है, बहुत रुचि रखते हैं, है ना। उनके जो कला में जो कलात्मक, उनकी जो कसीदाकारी जो कलात्मक होती है वो क्या होती है, बहुत ही सुंदर है ना, रचनात्मक होती है, बहुत अच्छा है ना, बहुत बारीकी होती है उसकी कलात्मक। इसीलिए क्या होता है, देखिए कहते हैं कि वहाँ के लोगों में भी क्या होता है, मैंने बहुत अच्छा मतलब ये है कलात्मक करने की आदत। ठीक है,